जम्मू कश्मीर में पंचायत मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। जम्मू कश्मीर में पंचायत मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। वीरवार को प्रदेश चुनाव आयुक्त बीआर शर्मा ने संबंधित अधिकारियों के साथ इस विषय के लिए एक बैठक की और पुनरीक्षण प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लेते हुए बताया कि मौजूदा मतदाता सूचियों में 3 लाख के करीब नए मतदाता जुड़ सकते हैं। पंचायतों का कार्यकाल अगले सप्ताह 9 जनवरी मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पंचायत मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। वीरवार को प्रदेश चुनाव आयुक्त बीआर शर्मा ने संबंधित अधिकारियों के साथ इस विषय में बैठक की और पुनरीक्षण प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लेते हुए बताया कि मौजूदा मतदाता सूचियों में 3 लाख के करीब नए मतदाता जुड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल अगले सप्ताह 9 जनवरी मंगलवार को समाप्त हो रहा है। पंचायतों के चुनाव इसी वर्ष लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद कराए जाएंगे। प्रदेश चुनाव आयुक्त बीआर शर्मा की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में प्रदेश के सभी 20 जिला उपायुक्त, जम्मू और कश्मीर प्रांत के पंचायती राज विभाग के निदेशक, राहत और पुनर्वास आयुक्त जम्मू कश्मीर और अन्य संबंधित अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से एवं वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रदेश चुनाव आयुक्त ने बैठक में मतदाता सूची के मसौदा प्रकाशन और आपत्तियां दर्ज करने के महत्व का उल्लेख करते हुए संशोधन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जनवरी और फरवरी में विशेष शिविरों की योजना की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में बीते वर्ष संशोधन के दौरान 7 लाख से अधिक मतदाता जोड़े गए थे। अक्टूबर और नवंबर में अपनाई गई मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की मूल मतदाता सूची पर चर्चा करते हुए बीआर शर्मा ने कहा कि आगामी पंचायत मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं संशोधन प्रक्रिया में 3 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने का अनुमान है। बैठक के दौरान मतदाता सूची की छपाई और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मतदाता सूचियों के प्रारूप के प्रकाशन पर ध्यान देते हुए छपाई मशीन सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अलावा बैठक में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, पंचायत चुनाव बूथ अधिकारी और जिला वेबसाइट के अन्य विवरणों का अद्यतन करने की भी चर्चा हुई।